हेलो भाई, क्या हाल चाल? ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीख लिया है और उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। तो इस वीडियो से को देखने से पहले प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बराबर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल अपन ने एक बार पहले पढ़ लिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और उसका एज रिवीजन पढ़ लेते हैं कैसे क्या था, किस टाइप से डिफाइन था, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते थे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कोई कर्व लिया मैंने, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने जहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने पी, इसके कोऑर्डिनेट रखे x1, y1। ठीक है, अब इस पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो होगी मेरी नॉर्मल। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया टेंजेंट, टी इज टेंजेंट, एन फॉर नॉर्मल। अब इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ लिख दिया एम, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, मतलब ओरिजिन से ये लेंथ है x1 और ऊपर की तरफ है y1। तो अगर मेरे को पॉइंट पता है तो सिर्फ अभी तक मेरे को लेंथ जो पता है वो है y1, जो कि है PM के इक्वल। ठीक है, बराबर ध्यान देना, ये थी मेरी टेंजेंट जिसका स्लोप होता है, जिसका स्लोप एम होता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू x1 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बराबर ना। लेकिन हमें एक बात और पता थी कि x एक्सिस से जो एंगल बनाती है टेंजेंट उसका टेन भी होता है स्लोप के इक्वल, उसका टेन भी होता है स्लोप के इक्वल। ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, बराबर। अब जो डिफाइन चीज़ें हैं वो है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है आपकी PT, मतलब जो ये लेंथ है PT, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बराबर। इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। y1 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय m² ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है सब टेंजेंट। अब ध्यान देना, ये टेंजेंट, टेंजेंट का x एक्सिस पे उसको बोलते हैं सब नॉर्मल, एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं सब नॉर्मल। मतलब ये होगा MT, ये कितना होगा MT, ये होता है y1 डिवाइडेड बाय m, m क्या है आपका dy बाय dx। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है आपका PN, और ये आता है y1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस m² ठीक है, फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो होता है mn और वो होता है आपका y1 इंटू m, क्या होता है y1 इंटू m। देखो, अब इन सब का डेरिवेशन अपनी नज़रों के सामने, ये ओबियसली आपको जब तक चैप्टर चलेगा तब तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो उसका डेरिवेशन ध्यान देना यहीं पर है, PT है, अपने को सिर्फ ये लेंथ पता है, PM इज इक्वल्स टू y1 ये पता है अपने को, तो ये लेंथ पता है और ये थीटा पता है, बिकॉज थीटा पता है अपने को होता है स्लोप के इक्वल और स्लोप आता है dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx करके पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा, थीटा पता है, एक लेंथ पता है, तो ऑब्वियसली अपन ट्राइंगल की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, PT निकालना चाह रहा हूँ, PM पता है, तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा,
साइन थीटा होगा पी एम डिवाइडेड बाय पी टी, तो पी टी कितना हो गया पी एम डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि पी एम कोसेक थीटा, ठीक है, जिसको लिख दिया मैंने पी एम स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो गया पी एम, ठीक है, इंटू वन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना पी एम कितना है वाई वन के इक्वल, तो पी टी आ गया मेरा वाई वन टाइम्स अंडर रूट वन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा एम है, तो ये हो जाएगा वन बाय एम स्क्वायर। तो इस तरह हम हर बारी डिराइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पता थी तो अपन डिराइव कर सकते हैं इसलिए। अब देखिए अब निकाल रहे हैं एम टी सब नॉर्मल, तो ध्यान देना एम टी होगा आपका, एम टी होगा एम टी और पी एम, तो मेरे को लिखना रहेगा एम टी के लिए टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा पी एम डिवाइडेड बाय एम टी, टेन थीटा होगा पी एम डिवाइडेड बाय एम टी अपोजिट अपॉन बेस, ठीक है, आइए अगले पेज पर करते हैं। तो जब भी पेज चेंज हो तब आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक का कंप्लीट लिख लिया करिए ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो मेरा टेन थीटा आया, टेन थीटा कितना आया था मेरा पी एम अपॉन एम टी, पी एम पता है अपने को, तो एम टी कितना हो गया पी एम अपॉन टेन थीटा, पी एम था अपना वाई वन, तो एम टी हो गया वाई वन अपॉन टेन थीटा होता है अपना स्लोप, तो टेन थीटा स्लोप वाई वन, तो अपना एम टी आ गया वाई वन अपॉन एम, वाई वन अपॉन एम, ठीक है। सिमिलरली अब अपन सब नॉर्मल के लिए ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ मैं अगले पेज पर और फिर सॉल्व करते हैं। ध्यान देना पी एम रहेगा अपना वाई वन, ठीक है, ये था पी एम एन और ये लेंथ थी मेरी वाई वन। एक और चीज़ ध्यान देना इस डायग्राम में, ये एंगल था थीटा, ये एंगल था 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये एंगल आया अपना 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ध्यान देना पी एन निकालना है अपने को, तो पी एन होगा आपका, पी एन लिखना है, ये एंगल पता है मेरे को, तो मेरे को यूज़ करना रहेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी एम डिवाइडेड बाय पी एन, पी एन होगा मेरा पी एम सेक थीटा, जिसको लिख दिया मैंने पी एम अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पी एम है मेरा वाई वन, टेन थीटा होता है मेरा स्लोप के इक्वल, टेन थीटा होता है स्लोप के इक्वल और वो आता है फिर डी वाई बाय डी एक्स से, तो ये हो गया अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर पी एन, ठीक है। तो डेरिवेशन ही ध्यान रखना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अगर कल को भूल जाओ तब भी कर लो, ध्यान देना। अब अपने को निकालना ही है, तो मैंने यूज़ किया एम एन के लिए यूज़ किया टेन थीटा, टेन थीटा हुआ एम एन अपॉन पी एम, ठीक है, तो एम एन हुआ मेरा पी एम टेन थीटा, पी एम था मेरा वाई वन के इक्वल और टेन थीटा था मेरा स्लोप के इक्वल, तो ये हो गया एम एन। ध्यान देना स्लोप अपन डी वाई वाई डी एक्स से कैलकुलेट करेंगे, ये चौथी बार बोल दिया है मैंने, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया अपना डेरिवेशन वगैरह वगैरह, ओके सही है ना। तो अभी
कुछ अपन इम्पोर्टेंट नोट वगैरह कुछ लगते नहीं मेरे को, क्वेश्चन करता हूँ और क्वेश्चन में कुछ लगेगा तो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? बराबर ना? वेयर एम क्या है आपका? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन। ओके, अब क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला अपने को याद नहीं रहते, तो अपन मस्त डिराइव करेंगे और कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन ये पॉइंट दिया हुआ है माइनस वन कोमा, माइनस वन को पुट किया तो कितना आया? माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन, तो ये हुआ मेरा माइनस फाइव। तो ये लेंथ कितनी होगी? पाँच। सही है ना? लेंथ में मोड आता है हमेशा। ठीक है, तो ये हुई पाँच, और ये अगर एंगल पता लग जाए मेरे को तो सब टेंजेंट की लेंथ पूछिए, तो मेरे को निकालना है एम टी टी एम, मेरे को क्या निकालना है? टी एम। ये हुआ मेरा सब टेंजेंट, बराबर ना? तो इसको निकालना है मेरे को, तो थीटा चाहिए। थीटा होगा इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और वो होता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स किया मैंने, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। ओके, माइनस वन पुट किया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स आया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर थ्री प्लस सिक्स प्लस वन, यानी कि टेन। तो मेरे को पता लग गया इन सबको इक्वल करके टेन थीटा कितना है? दस। टेन थीटा 10 है। अब मेरे को ये लेंथ निकालनी थी टी एम, तो मैंने फिर इस ट्राइंगल से लिखा टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन टी एम। ठीक है, टेन थीटा की जगह 10, पी एम था मेरा 5, और टी एम निकालना था, तो टी एम कितना आ गया? 1/2। सही है ना? आप चाहे तो यहाँ -5 यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ पर -1/2 आएगा, और फिर आप बोलोगे खुद ही की लेंथ निकाल रहा था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूँ, और वही करोगे तो फिर उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पी एम एक लेंथ थी, इसलिए -5 यूज ना करके मैंने कितना यूज किया? 5। कूल, आप नोट कर लीजिए इसको। चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते थे अपन डायरेक्टली, बट फॉर्मूला तो कल को भूल भी सकते हैं। फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है। कितना था सब टेंजेंट का फॉर्मूला? वाई वन अपॉन एम, वाई वन था 5 और स्लोप आया 10, 1/2, एक लाइन में आंसर। ठीक है, लेकिन अपन फ्यूचर को देखते हुए कल को भूल जाए तो कैसे करना रहेगा, तो इस तरह से सीखा है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू बी टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स बाय ए, शो दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो सब टेंजेंट का अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो डिराइव कर लेना। डिराइव करने के लिए क्या लगेगा आपको? कुछ नहीं लगेगा। ये पॉइंट है पी, ये लिया एम, सब टेंजेंट की बात मतलब ये लेंथ की बात, इसको मानना है थीटा। ये अगर पॉइंट है एक्स वन कोमा वाई वन, तो ये लेंथ होती है अपनी वाई वन। ठीक है, अपन लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन टी एम। टी एम है आपका सब टेंजेंट की लेंथ, तो वो आ जाता है पी एम अपॉन टेन थीटा। ठीक है, पी एम है आपका वाई वन, एक्स वन कोमा वाई वन है तो ये वाई वन लेंथ पर है, तो ये हो जाता है वाई वन अपॉन टेन थीटा, होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो वाई वन, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है,
कर्व था मेरा y इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर एक्स बाय ए, तो डी वाई बाई डी एक्स किया मैंने, स्लोप के लिए करना था तो ये किया b टाइम्स ई रेस टू पावर x बाय ए, बी तो कॉन्स्टेंट था, e की पावर का डिफ्रेंसिएशन वही बट अंदर वाले का करूँगा तो फिर आ जाएगा 1 बाय ए, यानी कि आया b बाय ए ई रेस टू पावर x बाय ए। ठीक है, अब देखो मेरे को प्रूव करना था कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट, तो सबसे पहले मैं मानूंगा लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो सब टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ क्या होती है टी एम कितनी हो गई, वाई वन डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन। ठीक है, तो टी एम लिखा मैंने वाई वन, अब एक्स की जगह पुट कर दिया मैंने एक्स वन, तो ये आया बी बाय ए ई की पावर एक्स वन डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब ये पॉइंट कर्व पर था, ठीक है, तो कर्व को सेटिस्फाई करवाएगा तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू बी टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स वन डिवाइडेड बाय ए, एक्स वन कोमा वाई वन उसको सेटिस्फाई करेंगे ना, और वाई वन को पुट कर दिया यहाँ पर, तो टी एम आया मेरा बी टाइम्स ई की पावर एक्स वन बाय ए डिवाइडेड बाय बी बाय ए टाइम्स ई की पावर एक्स वन बाय ए, तो ये कट हुआ बी से बक बी कट हुआ, टी एम आया मेरा ए। तो प्रूव दैट शो दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट, क्या आया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कॉन्स्टेंट, कितना आया गेस करो, कॉन्स्टेंट आया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, वाई वन इंटू एम होता है, यानी कि वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, तो वो आप देख सकते हैं पीछे पलट कर डी वाई बाई डी एक्स में पुट करके कितना आएगा, बी बाय ए ई की पावर एक्स वन डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब देखो अब आते हैं अपने को प्रूव क्या करना है उसको पढ़ने, तो हमें प्रूव करना था कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट में इक्वेशन बनानी है, तो y1 को नहीं x1 को गायब करना रहेगा, दिए रिलेशन काम आएगा तो इसको लिख लेता हूँ उधर, तो वो था मेरा सेटिस्फाई करवा के आने वाला y1 इज इक्वल टू b टाइम्स e की पावर x1 वन बाय ए, तो b टाइम्स e की पावर x1 वन बाय ए को रिप्लेस कर देता हूँ मैं किससे, y1 से, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आएगा मेरा y1 वन इंटू y1 वन बाय ए, तो ये हो गया मेरा y1 वन स्क्वायर बाय ए, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के स्क्वायर के साथ वेरी हो रही है। ठीक है, बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब अपन, इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन है इफ द रिलेशन बिटवीन सब नॉर्मल एस एन एंड सब टेंजेंट एस टी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व दिया हुआ है इज दिस, देन फाइंड पी अपॉन क्यू बाय बी, तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है तो अपने को इसको सॉल्व करना है, तो सब टेंजेंट होता है लेंथ ऑफ, सब टेंजेंट होता है y1 वन डिवाइडेड बाय m, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है y1 वन डिवाइडेड बाय m, और सब नॉर्मल होता है y1 वन टाइम्स m। ठीक है, और m निकलता है अपना dy वाई बाय डी एक्स से। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन कर्व इज एक्स वन कोमा वाई वन, अब अपन ने इक्वेशन लिखी और उसका कर दिया डिफ्रेंसिएशन,
तो ये आया 2by इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस ए स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स मिला मेरे को 3x प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 अपॉन by, ठीक है बराबर। तो स्लोप की इक्वेशन इधर ही लिखूंगा फिर अपन पेज पलटेंगे। तो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स में पुट करना रहेगा x1 कोमा y1, तो स्लोप रहेगा 3 बाई 2 x1 प्लस a का स्क्वायर अपॉन बी वाई वन। ध्यान देना लेट एनी पॉइंट ऑन कर्व, कर्व का कोई भी पॉइंट अपन ने माना था x1 कोमा y1, तो x1 कोमा y1 इसको सेटिस्फाई भी करता है तो उसकी इक्वेशन आएगी b टाइम्स y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है बराबर। तो अब अपने पास काम की चीज़ें क्या क्या है क्वेश्चन में, एक तो ये रिलेशन अप्लाई करना है अपने को बराबर, एक ये रिलेशन काम का है अपने, और एक स्लोप की वैल्यू, बिकॉज स्लोप की वैल्यू से ही ये दोनों आएंगे। तो एक तो ये, एक ये दोनों, ठीक है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन सब की हेल्प लगेगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं अगले पेज पर इनको लिख के आपको मिलता हूँ, ठीक है बराबर। डायरेक्ट उधर मिलेंगे अपन, तो प्लीज़ अभी नोट कर लीजिए यहाँ पर पॉज करके, और फिर अपन बाद में मिलते हैं। यहाँ पर एक क्यूब था, समझ रहे हो ना, पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्यूब आएगा। यहाँ हल्की सी मैंने मिस्टेक की थी, तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, और फिर आपकी ये रही सारी इक्वेशन, ठीक है। अपने को एक और चीज़ लिखनी है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना था अपने को P अपॉन Q टाइम्स B, P अपॉन Q टाइम्स B, तो इसको भी माइंड में रखेंगे अपन। P डिवाइडेड बाय Q टाइम्स B अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें इधर पुट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को पुट किया मैंने इधर, तो आया P टाइम्स Y1 इंटू M इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आएगा वाई वन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना वाई वन से किया मैंने वाई वन को कट, ठीक है, एम की वैल्यू रिप्लेस की, उससे पहले मैंने पी अपॉन क्यू भी निकालना था ना, तो पी बाई क्यू बनता हुआ दिख रहा था, तो क्यू को इधर ले गया, एम को इधर ले गया, तो ये बना पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू वाई वन अपॉन एम क्यूब, ठीक है। अब वाई वन और एम क्यूब को रिप्लेस करना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो भाई वाई वन और एम क्यूब को स्टार्ट किया रिप्लेस करना, तो वाई वन को रखा वाई वन ही, एम क्यूब को रिप्लेस किया तो आया ये थ्री बाई टू का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पावर हो जाएगी आपकी एक्स वन प्लस ए रेस टू पावर हो जाएगा 6, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, सही है ना, डिवाइडेड बाय बी क्यूब वाई वन क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ आपका p बाय क्यू इज इक्वल्स टू वाई वन और बी क्यूब जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बी क्यूब इंटू वाई वन रेस टू पावर 4, ठीक है। नीचे रहेगा 27 एक्स वन प्लस ए रेस टू पावर 6, ठीक है। ध्यान देना 2 क्यूब वो भी नीचे रहेगा तो वो भी जाएगा ऊपर, ठीक है। अब y1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये बनेगा आपका p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 8 बाई 27 टाइम्स b क्यूब, ठीक है, b से डिवीजन लगेगा उधर, ध्यान देना है ना, और होगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर लिखा दिए बन जाएगा x1 प्लस a रेस टू पावर 6, ठीक है। b नीचे था, यहाँ क्या किया है मैंने कि y1 स्क्वायर का लिख दिया स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके साथ ही साथ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आएगा ये, इसको आप समझ लीजिए, कुछ नहीं किया है यहाँ पर, y1 की पावर 4 था, ठीक है, तो y1 स्क्वायर की जगह लिख दिया है यहाँ से y1 को, और कुछ बना है ऐसा, अगर ऐसा नहीं बने तो आप प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, ठीक है। इसको इससे कट किया बी स्क्वायर से बी को,
अपने को आंसर में बी भी नीचे चाहिए था, तो ये हो गया पी अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू 8/27। यहाँ बस रिप्लेसमेंट में मेरे को लग रहा है कि आपको शायद नहीं आया होगा, तो देखिए y1 स्क्वायर कितना होगा, x1 प्लस ए क्यूब बाय बी, तो y1 स्क्वायर को लिखा इसको स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो पावर 6 नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये टर्म यहीं पर था, तो अपना आंसर आ गया 8/27। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपका अगला क्वेश्चन है, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला द सब टेंजेंट वेरीज एज द एप्सिसा एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, तो एप्सिसा सब टेंजेंट निकालते हैं, सब नॉर्मल निकालते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट अज्यूम किया, लेट पॉइंट है आपका एक्स वन कॉमा वाई वन, तो सब टेंजेंट की लेंथ कितना होता है वाई वन बाय स्लोप, मतलब वाई वन बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो एक्स वन कॉमा वाई वन इसका पॉइंट है, तो एक्स वन इंटू वाई वन होगा सी स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बना लीजिए। अब दूसरी, ठीक है, दूसरी क्या है, स्लोप चाहिएगा अपने को, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का किया वाई का नहीं किया, एक्स का नहीं किया वाई का किया, कांस्टेंट का जीरो, तो यहाँ से आया डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव वाई बाई एक्स, पॉइंट पुट किया एक्स वन कोमा वाई वन, तो स्लोप हो जाएगा मेरा नेगेटिव वाई वन बाई एक्स वन। ठीक है, मस्त पुट कर दिया, तो एस टी आया मेरा वाई वन डिवाइडेड बाई नेगेटिव वाई वन, एक्स वन चला जाएगा ऊपर, तो आप देख सकते हैं एस टी आ गया है मेरा एक्स वन नेगेटिव एक्स वन का मॉड, तो आप देख सकते हैं कि एस टी सब टेंजेंट वेरीज एज द अप्सिसा, मतलब एस टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वन। सिमिलरली एस सब टेंजेंट सब नॉर्मल की लेंथ होती है वाई वन टाइम्स एम, तो ठीक है वाई वन रखा, एम था मेरा नेगेटिव वाई वन बाय एक्स वन। अब मैंने क्वेश्चन में देखा तो मैंने पाया कि ऑर्डिनेट क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट, कहीं पर एप्सिसा की बात नहीं है सब नॉर्मल के लिए, तो एक्स वन को गायब करना मेरा धर्म है, यहाँ से एक्स वन कितना निकला गेस करो, वाई वन स्क्वायर एक्स वन कितना निकला सी स्क्वायर बाय वाई वन, तो ये हो गया नेगेटिव वाई वन क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, तो देख सकते हैं एस एन वाई वन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जो कि अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब अपन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो केस वन, कर्व बेचारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटर सेक्टिंग कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, सबसे कम उनके बीच की डिस्टेंस होगी जीरो, लेकिन इश्यू तब आता है जब दे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नॉन इंटर सेक्टिंग कर्व्स हो तब क्या। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ना पढ़ा हो तो आप रिवाइज करके आ सकते हैं, अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन पहले भी किए थे, शायद नहीं भी किए हो तो अभी याद रख लो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल्स। ठीक है, तो दो कर्व्स की हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। ठीक है, ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो वो होती है उन कर्व्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल मतलब वो लाइन जो दोनों के नॉर्मल होगी उसी के अलोंग आएगी अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है अपनी बस थ्योरी। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगले पेज पर लिखते हैं, फिर आधा अधूरा रहेगा। क्वेश्चन लिख के मिलता हूँ आपसे मैं। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस वन, ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये रहा मेरा पैराबोला, ये मान ली मैंने लाइन। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट है ये x1 कॉमा y1, वही पॉइंट होगा जहाँ पर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब मेरे को इसको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, तो देखना मैं कैसे करता हूँ। कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लाइन दी हुई है वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो ध्यान देना, जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की अगर इक्वेशन पता कर ली, ठीक है, तो उसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट भी मिल जाएगा मेरे को, बराबर। तो नॉर्मल पर फोकस है मेरा, तो नॉर्मल के लिए अगर मेरे को इस लाइन का स्लोप पता है तो नॉर्मल, पहली बात इसका नॉर्मल क्यों निकाला, क्योंकि अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कॉमन नॉर्मल पर, मतलब वो लाइन का भी नॉर्मल होगा और पैराबोला का भी नॉर्मल होगा। अब लाइन का नॉर्मल का स्लोप निकालना आसान है, कितना होगा, इसका स्लोप वन है तो स्लोप नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस वन। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव वन बाय डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसको माइनस वन के इक्वल करके मैं चीज़ें कर लूँगा। तो अब मैंने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया टू एक्स प्लस वन। अब पॉइंट पुट कर दिया मैंने एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स पुट किया मैंने तो नेगेटिव वन अपॉन टू एक्स वन प्लस वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एम एन, जो कि आया माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन कटा, सिंप्लीफाई किया, वन इज इक्वल्स टू टू एक्स वन प्लस वन, तो एक्स वन कितना आया जीरो। तो एक्स वन जीरो आ गया अपना, ठीक है, एक्स वन जीरो आ गया, तो उसको पुट करके अपन वाई वन भी निकाल लेंगे। तो एक्स वन जीरो आया, ठीक है, तो y1 होगा मेरा 1, x1 आ गया 0, y1 आ गया 1, तो ये रहेगा मेरा क्लोजेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला रहेगा, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला इज 0,1। अब क्वेश्चन ही बदल गया भाई, अब मेरे को 0,1 से इस लाइन की ये डिस्टेंस निकालनी है। लाइन दी हुई है मेरी y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो मैं तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और वो क्या होता था, पॉइंट को पुट किया, इस डिस्टेंस d का फॉर्मूला होता था, पॉइंट को अंदर पुट करो, प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ गई मेरी वन बाय रूट टू, सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही, ना तो अपने को नॉर्मल निकालना रहा ना कुछ निकालना रहा। ठीक है, बराबर, तो इस तरीके से अपन ने डिस्टेंस निकाल ली।
और पॉइंट भी निकाल लिया। जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा उतना अच्छा आपको इधर मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लो इसको। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.3, ठीक है। तो जो 0.3 के पास में रहे वो पॉइंट पता करना है अपने को। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा सा नॉलेज यूज करते हैं। पैराबोला है ये वाला, 0.3 है यहाँ पर। अब हमें पता है कि 0.3 से नियरेस्ट पॉइंट चाहिए पैराबोला पर, तो वो पक्का कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, ठीक है। तो नॉर्मल से ही जाने वाला होगा और 0.3 से होगा, कॉमन नॉर्मल नहीं, गलत बोला मैंने, बिकॉज पॉइंट दिया हुआ है तो जो नॉर्मल होगा उससे गुजरना चाहिए पॉइंट, बस इतना बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट अज्यूम किया मैंने x1, y1, पॉइंट क्या अज्यूम किया x1, y1। अब मैंने नॉर्मल का स्लोप निकाला, ठीक है, नॉर्मल्स स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx। तो 2y = x² को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया मेरा 2 times dy/dx = 2x। तो बस स्लोप आ गया मेरा -1/x1। साथ ही साथ इधर भी पुट कर दिया मैंने तो 2y1 = x² इसको भी ध्यान में रखूँगा मैं, ठीक है। अब स्लोप में 2-point form से भी निकाल सकता था, है ना, तो 2-point form से स्लोप निकाला मैंने। एक ही चीज को दो तरीके से करना होता है अपने को, तो y1 -3 = x1 -0, दोनों एक ही लाइन के स्लोप है तो इक्वल होना पड़ेगा इनको। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, क्या किया इक्वेट, तो मिला मेरे को -1/x1 = y1 -3/x1, ठीक है, बराबर। तो अब देखो, अगर मैं x1 से x1 कट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि x1 जीरो नहीं हो सकता है, तो शायद नहीं भी हो, लेकिन कट करने से सॉल्यूशन का नुकसान हो जाता है और अपन x1 ही निकालना चाहते हैं। तो कट नहीं किए बगैर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, बना -x1 = x1 times y1 -3, तो ये बना x1 times y1 -3 + x1, ठीक है, = 0। तो इससे दो सॉल्यूशन आया, x1 = 0 और y1 = 3, ठीक है, बराबर। अब अगर x1 को 0 ले लूँगा तो इधर से y1 भी कितना आएगा, 0, मतलब पॉइंट हो जाएगा वो नीचे वाला, पॉइंट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, ओके। यहाँ पर अपन ने हल्की सी मिस्टेक कर दी है, उसको अपन रेक्टिफाई करते हैं। पहले अपने को x1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो x1 कॉमन निकालेंगे तो आएगा y1 -3 + 1 = 0, फिर आएगा अपना x1 = 0 और y1 = 2। तो x1 = 0 ले लेंगे तो उससे y1 = 0 और वो हो जाएगा ये पॉइंट, लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा बिकॉज एक और है, ये भी है नॉर्मल के अलोंग बट उससे भी क्लोज एक और मिल सकता है अपने को, तो इस पर अपन ने अभी ताला नहीं लगाया। दूसरा पॉइंट निकालने निकले, y1 आया 2, y1 को पुट किया यहाँ पर तो आया 4, तो x1 कितना आया, x1 आया +2 और -2, x1 कितना आया +2 और -2, ठीक है। तो अब निकालते हैं, तो अगर ये पॉइंट होता है मेरा तो डिस्टेंस आती है 3, और ये रखता हूँ मैं जो कि है 2.2, तो आता है मेरा यह डिस्टेंस कितना आता है, यह डिस्टेंस आता है मेरा 4+1 यानी कि √5, ठीक है। और अगर पॉइंट रखता हूँ कुछ ऐसा 2.-2, मतलब -2.2, x नेगेटिव है, तब भी डिस्टेंस आती है ये वाली भी √5। तो अब आप बताइए √5 बड़ा है या 3, तो 3 अपने को निकालना था नियरेस्ट पॉइंट,
तो नियरेस्ट पॉइंट 0.0 नहीं हो सकता है, नियरेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस आ रही है जो कि है रूट फाइव, और वो आ रही है इन दो पॉइंट्स पर, मतलब आंसर हो जाएगा मेरा 2.2 और -2.2। एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से, क्या किया अपन ने, नियरेस्ट पॉइंट निकालना था तो वो पक्का स्लोप, पक्का नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप लिखा और फिर देखा तो टू पॉइंट फॉर्म दिखा मेरे को 0.0 और x1.3, ठीक है, तो टू पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप लिख दिया, दोनों एक ही लाइन के इक्वेट कर दिया, x1 को कट नहीं किया, कट कर सकते थे, हमें पता था कि ओबियसली ये नहीं होगा यहाँ आएगा, लेकिन अपन ने एक्स्ट्रा केयर की और कॉमन निकाल के विदाउट नुकसान किए हुए सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब x1 0 और y1 भी 0, तो वो पॉइंट पक्का ये हुआ बराबर ना, जहाँ से डिस्टेंस आई 3 के इक्वल, और यहाँ से निकाली मैंने 2.2 और -2.2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली तो वो आई रूट फाइव। अब ऑब्वियसली रूट फाइव छोटी थी, मेरे को नियरेस्ट पॉइंट ये था, तो इसलिए आंसर लिखा मैंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस एंड दैट। अरे एक तो सर्कल है और दूसरा वाला बेचारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालनी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के थ्रू होती है, ठीक है भाई, और कॉमन नॉर्मल सर्कल का कोई भी सर्कल का नॉर्मल 0.0 से पास होगा, तो सर्कल का कोई भी नॉर्मल 0.0 से पास होता है, हाइपरबोला था xy इज इक्वल टू 9, तो उसका पॉइंट अज्यूम कर लिया x1.y1, पिछले क्वेश्चन में किया था वही करूँगा मैं, है क्या करूँगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन हाइपरबोला एट x1.y1 कितना होगा -1/dy/dx एट x1.y1। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x का किया, y का नहीं किया, प्लस y x का नहीं किया, y का किया इज इक्वल्स टू 0, तो वो आता है dy/dx आता है मेरा नेगेटिव y/x, ठीक है, तो ये स्लोप हो जाएगा नेगेटिव y1 x1, ठीक है। अब इसको लिख दिया मैंने स्लोप को टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप क्या है मेरा y1 -0/x1 -0, दोनों होने चाहिए इक्वल बिकॉज एक ही लाइन के लिए, तो y1/x1 इज इक्वल टू -x1/y1, तो ये बना अपना y1² इज इक्वल टू -x1², तो ये बना x1² प्लस y1² इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेड एंड। अब डेड एंड मिल गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं, अपने पास और तरीके हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरी कोशिश करेंगे। अब अपन कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट पता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है अपने को, बराबर ना, दोनों में से कौन सा इजी लगा मेरे को स्लोप, ये वाला इजी लगा, तो मैंने लिखी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1.y1 और स्लोप यूज किया मैंने y1/x1, स्लोप मतलब सर्कल की हेल्प से निकालने वाला यूज किया, तो इक्वेशन आई y-y1 इज इक्वल्स टू y1/x1 x-x1, ठीक है, और ये कहाँ से पास होगी 0.0 से, कहाँ से पास होगी 0.0 से, तो पास करवाया तो ये आया 0-y1 इज इक्वल्स टू y1/x1 0-x1, ठीक है। अब y1 से y1 को कट कर सकता हूँ मैं, x1 को x1 से तो कट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रही है अपन से, देखते हैं क्या। तो मिस्टेक मिल गई है, वो थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पुट किया तो इसको प्लस नहीं किया, तो इसको ऐसे कट करते हैं, अगले पेज पर सॉल्यूशन देखते हैं।
ये था सर्कल, ये था हाइपरबोला। हाइपरबोला पर पॉइंट अज्यूम किया एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। हाइपरबोला था मेरा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9, पुट किया तो एक इक्वेशन आई एक्स वन इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल आया मेरा, नॉर्मल आया माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये निकाला मैंने डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा वन इंटू वाई, वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स आया मेरा नेगेटिव वाई बाई एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव वाई वन बाई एक्स वन, तो यहाँ माइनस वन लगा हुआ ही था, यहाँ पुट किया नेगेटिव वाई वन बाई एक्स वन, तो स्लोप हुआ मेरा एक्स वन बाय वाई वन। अब वाई वन को मैं गायब करना चाह रहा हूँ ताकि कम अननोन्स रहे, तो वाई वन की जगह पुट किया 9 बाय एक्स वन, तो स्लोप हो गया मेरा वाई वन की जगह पुट किया 9 बाय एक्स वन, तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर बाय 9। अब मैंने टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन कोमा वाई वन, और स्लोप लिया उसका एक्स वन स्क्वायर बाय 9, ठीक है। तो इक्वेशन आई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर बाय 9 एक्स माइनस एक्स वन, और इसको पास कहाँ से करवाया मैंने, 0,0 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी 0 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाय 9, ठीक है, और ये 0 माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये बन गया मेरा, फिर वाई वन को गायब किया, तो वाई वन को रखा मैंने 9 बाय एक्स वन, वाई वन को यहाँ से रखा 9 बाय एक्स वन, तो ये बना 9 बाय एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन नेगेटिव का क्यूब डिवाइडेड बाय 9। तो माइनस से माइनस कट किया, इसका मतलब 81 इज इक्वल टू एक्स वन रेस टू पावर 4। तो इससे आया मेरा एक्स वन इज इक्वल टू 3,-3, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्स वन 3 यहाँ होगा तो -3 होगा यहाँ पर, एक्स वन को 3 पुट किया तो वाई वन आया 3, एक्स वन को 3 पुट किया तो वाई वन भी कितना आया 3, और ये हो गया -3। सिमेट्रिकल था पूरा का पूरा, बराबर ना, तो बस पॉइंट मिल गया। अपन आए डायग्राम पर, अपन आए डायग्राम पर, रेडियस थी 1, रेडियस कितनी थी 1, और टू पॉइंट फॉर्म से ये डिस्टेंस निकाली अपन ने, वो आई अंडर रूट ऑफ 3-0 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3-0 का स्क्वायर यानी कि 9, ये आई रूट ऑफ 18। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 18 माइनस 1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगी मेरी अल्फा, ठीक है, यहीं लिख दे रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 18 माइनस 1, ठीक है, बराबर। तो बस इस पॉइंट के लिए मेहनत कर रहे थे, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए थी, ये थी 1, टू पॉइंट फॉर्म से ये निकाली रूट 18, तो आ गया आंसर रूट 18-1, ओके। तो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण अपना क्वेश्चन गलत हो गया, देखा जाए इसमें तो बस वही गलती थी एक, ठीक है। एक्स वन बाय वाई वन ही आ रहा था, बट विद अ पॉजिटिव साइन आना चाहिए था, जो कि आ रहा था अपना नेगेटिव साइन के साथ, ओके। तो इसलिए थोड़ा गलत हो गया था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द इलिप्स, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं भाई, और ये सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हो जाते हैं, आप याद रखना। ये लाइन बनाई मैंने, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कॉमन नॉर्मल के थ्रू होगी, बराबर ना। तो वाओ कितनी अच्छी चीज़ मिल गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस कॉमन नॉर्मल के थ्रू होगी, और अगर ये नॉर्मल है तो इसकी टेंजेंट इसके पैरेलल है, बराबर ना। तो भाई मैं तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ ना, जो कि आसान होती है, क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एम भी पता है बिकॉज टेंजेंट पैरेलल होगी, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप कितना निकला, -1, तो आ गया -1x प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना है 16, बी स्क्वायर कितना है 9, तो आ गई -x
प्लस माइनस 5, तो दो लाइन मिली y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 वाली लाइन होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, उससे शॉर्टेस्ट थोड़ो ना मिलेगा, तो शॉर्टेस्ट मिलेगा मुझे इससे। वाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होगी, तो मेरे को बस निकालनी है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकाल ली, तो आया फॉर्मूला लगाया सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी वन है मेरा 10 और सी टू कितना है मेरा 5 अपॉन कोफिशिएंट कितना है 1 और 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 5/√2। ये अपन ने कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसको कैलकुलस से कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले पॉइंट मानूंगा x1, y1। ठीक है, आप स्टेप नोट करते जाइए दूसरे मेथड के लिए। फिर मैं नॉर्मल का स्लोप निकालूंगा dy/dx करके नॉर्मल का स्लोप लिखूंगा -1/dy/dx एट x1, y1, और वो जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसको नॉर्मल के स्लोप के इक्वल कर दूंगा, यानी कि +1 के इक्वल, और फिर उधर से x1, y1 निकालने की कोशिश करूंगा, वो आ जाएंगे तो पॉइंट मिल जाएगा मेरे को इलिप्स का। इलिप्स के पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आ जाएगी, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से जो फॉर्मूला होता है वो लगा के आ जाएगी, पीछे भी किया है अपन ने। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर x1 0 से 2√2 है और x2 है ये। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं हो रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सोचते हैं भाई ये क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आता था ना, अगर कोई पॉइंट है x1, y1 x2, y2, तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते थे अपन, रूट ओवर डिस्टेंस स्क्वायर का लिखो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो वो होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो मैं, अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए इसको y1 बोल दूँ और इसको y2 बोल दूँ तो शायद काम हो जाए, तो मैंने बोला लेट y1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस x1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की, तो आया y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये तो हो गया मेरा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। मैंने कहा भाई सर्कल का पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट यूज किया है सर्कल का किया है। फिर मैंने लिखा लेट y2 इज इक्वल्स टू 16/x2, तो ये मिला मेरे को x2 × y2 इज इक्वल्स टू 16। मैंने बोला ये तो हाइपरबोला होता है, ठीक है ना, ये तो हाइपरबोला होता है, डायग्राम बनाना शुरू किया मैंने, तो डायग्राम बनाया, एक आया मेरा सर्कल और एक आया मेरा हाइपरबोला। अब x2 को पॉजिटिव लेना है तो भाई इधर नीचे का बनाया नहीं मैंने, ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया मेरा xy इज इक्वल्स टू 16 और ये हो गया मेरा x² + y² इज इक्वल्स टू 8। हम मेरे को इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या आप कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी वर्टेक्स के अलोंग होती है, वर्टेक्स होगी इसकी 4, 4, ये है 0, 0, तो ये बड़ी वाली डिस्टेंस आई मेरे को √16 + 16 मतलब आई √32। ठीक है, रेडियस थी मेरे पास 2√2, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व हुई डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स हुई
रूट 32 माइनस 2 रूट 2, रूट 32 होता है 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो आंसर आ गया 2 रूट 2। अब अपन ने सिर्फ डिस्टेंस निकालनी ना, तो वो आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि जो आपका x1 है ना वो 0 से 2 रूट 2 के बीच में। अब 2 रूट 2 कहाँ होता है? यहाँ। तो जो आपका x1 है ना वो सिर्फ इधर इधर का लेना है, इधर इधर का लेना है, इधर बहुत सारे x1 थे तो वो यही होगा ना, और x2 पॉजिटिव मतलब इस तरफ लेना है। तो उससे अपन ने कंफर्मेशन कर लिया कि आंसर यही ही जाना है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि पता क्या करना रहता है। पता करना था अपने को डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, आंसर होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर करके दिया हुआ था ना, डी स्क्वायर, तो वो होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो होगा 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। ओके, तो इस तरह अपना टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बची हुई है, तो उनको करते हैं अपन अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, आखिर कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वाला छोटा भी था तो चलता है इतना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, आप टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके।